नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा नगर निगम के सभागार में आज उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इस दौरान मंच से 3 हितग्राहियों को गैस सिलेंडर बांटे गए। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम कार्यालय परिसर में उज्ज्वला योजना का उद्घाटन करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर इलैया राजा टी, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्र सरकार की इस योजना के बारे में हितग्राहियों को बताया गया। हम आपको बता दें कि एक साथ देश सहित प्रदेश और रीवा में भी उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों को गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना के दूसरे चरण में कई सारे बदलाव किए गए हैं। यह स्कीम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है। इसका ध्यान महिलाओं पर है ताकि ग्रामीण महिलाओं को धुएं से आज़ादी मिले। आप भी रजिस्ट्रेशन करवाकर मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के लिए आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार साल 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। उज्ज्वला योजना 2 के तहत देश भर में 1 करोड़ नए फ्री गैस कनेक्शन बांटे जाएंगे, जबकि रीवा जिले में 24,299 हितग्राहियों को फ्री गैस कनेक्शन वितरित किए जाने हैं। Thank you.